टमाटर की चटनी या सब्जी कुछ भी कैसे बना सकते हैं। जैसे टमाटर है, इसे पहले बॉयल करेंगे हल्का पानी में, उसके बाद में इसे छील लेंगे। छीलने के बाद इसे फिर पीस के रखेंगे और इसमें ये कोकम डालेंगे, हरा मसाला डालेंगे, उसमें मूंगफली है, कच्चा खोपरा है, ये सब डालेंगे पीस के। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि टमाटर की आमटी कैसे बनती है। ये टमाटर बॉयल हो गया है, इसमें खड़ा मसाला कुछ भी नहीं डालना है, जो भी पूरा पीस कर ही डालना है पिसा हुआ। ये जो भी मसाला मैंने पीसी हूँ ये अभी इसमें फ्राई हो रहा है। ऊपर का जो होता है वो निकल जाता है, ग्रेवी अच्छी तरह से उभरना चाहिए, तब तक नहीं हो जाती तब तक उसका टेस्ट नहीं आता अच्छा। रोटी डालना है, ग्रेवी ग्रेवी हो गई है। अभी इसमें कोकम डाल देंगे, बनने लगा है अभी इसे। ये ग्रेवी जब तक पूरी तरह पक नहीं जाती ये टमाटर जो मैंने रखी वो बनाकर इसे पूरा इसी में। अभी इसमें पानी हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितना डालना है कितना नहीं, नमक भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं थोड़ा। हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें पानी वही वाला डालेंगे जिसमें टमाटर बॉयल किए, क्योंकि उसका जो होता है अर्क होता है अंदर का वो इसमें छोड़ देता है, उसमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। अभी इसे ढक के रख देंगे, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अभी यही देखते हैं कैसा बना है, देखने में तो बहुत प्यारा दिख रहा है। ये रेडी हो गया आमटी, किसे बोलते हैं टमाटर की आमटी।